कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है, इसे लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए। मैथ्स की वर्कशीट है तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम के लेंगे। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि सारी वर्कशीट्स आपको आसानी से मिल सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर एवं लंबवत रेखाओं की रचना के बारे में। इस वर्कशीट में आज आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कुछ एंगल बनाने सिखाए गए हैं, उन्हीं एंगल्स को आपको रिवाइज करना है दो बार। तो देखिए समांतर रेखाओं की रचना हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले एक लकीर खींचेंगे, उसके बाद कहीं पे भी पॉइंट रख देंगे, फिर आपको क्या करना है उस पॉइंट से उस लकीर को मिला देना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर डॉट रख के एक आर्क लगाएंगे यानी चाप लगाएंगे, उसके बाद यहीं से प्रकार को थोड़ा बड़ा करके एक और चाप लगा देंगे, ठीक है, उसी दूरी से। तो यहाँ पे बल्कि यहाँ से रख के यहाँ एक आप चाप और लगा लेंगे, तो दो चाप आपके लग जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो यहाँ से आपने ये वाला चाप लगाया था, इस जगह से रख के ये आपको एक और चाप इस पे लगा देना है। तो फिर आप जब इस लकीर को मिला देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, समांतर लाइन, जिसकी आपकी रेल की पटरी होती है। ये चाहे इधर कितनी लंबी कर ली जाए, चाहे इधर कितनी लंबी कर ली जाए, ये कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती, ठीक है। ये इस तरह से कभी नहीं होगी, ये हमेशा दोनों से एक दूसरे से दूरी रहेंगी। इसके बाद जैसे यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया गया है कि अब हम लंबवत रेखा कैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको चरण दिए गए, इन्हीं चरण के अकॉर्डिंग आप करेंगे। पहले एक लकीर खींचनी है, डॉट रखना है, फिर उसके बाद एक आर्क लगानी है जिसे हम चाप कहते हैं, फिर दोनों पॉइंट से एक यहाँ और एक यहाँ आपको चाप लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आपके चाप लग जाएंगे तो ये देखिए आपको इस पी से मिला देंगे, जैसे यहाँ मिलाया, ये आपकी बन जाएगी कौन सी रेखा, लंबवत रेखा, ठीक है। लंबवत रेखा का मतलब होता है इस तरह से जो आपका प्लस बन जाए, ठीक, दोनों स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब बात करते हैं अगर हम जो आपकी लंबवत रेखाएं होती है उसको समविभाजक के रूप पे, ठीक है। तो समविभाजक का मतलब होता है कि जो ये आपकी लेटी लकीर है इसको दो बराबर भागों में काटे ये रेखा, ठीक है। लंबवत का तो मतलब ये भी हो सकता है कि भाई ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना। लेकिन जो दो बराबर भागों में काटे इसको कहते हैं हम समविभाजक। इसको कैसे बनाएंगे, एक लकीर खींचेंगे, इधर से आर्क लगाएंगे इधर, और इधर से सॉरी पहले इधर से ही दोनों तरफ लगा लेंगे, फिर दूसरी तरफ से दोनों तरफ लगा देंगे। तो देखिए ये आपका एक बन जाएगा, फिर आप इसको मिला देंगे तो इस तरह से ये आपकी जो है दोनों बराबर हिस्सों से डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो इसे आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना था। इसे देखिए यहाँ लिखा है, इन्हीं सभी रचनाओं को दो बार आपको अभ्यास करना है, इनका इनको दो बार आपको लिखना है, ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।